मैंने एक बाइक पे थोड़ा कराया है काम, और काम कराने के बाद बाइक कुछ इस तरह की दिख रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? माना कि बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सो बहुत टाइम के बाद मैंने एक व्लॉग बनाने का फ़ैसला लिया, और ये जो व्लॉग है मेरे अपकमिंग राइड्स के बारे में है, और राइड के अलावा एक न्यू एडिशन टू माय बाइक है। न्यू एडिशन बोले तो एक फ़ीचर भी हो सकता है या एक नया आइटम भी हो सकता है, बट ये जो भी आइटम है ये बहुत लोगों की एक उत्सुकता रहती है ये आइटम ओन करने की। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या, और इस आइटम का मैं आपको रिव्यू भी ज़रूर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस आइटम की अनबॉक्सिंग करते हैं। एक मिनट, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको एक बता दूं, इस वीडियो को मैंने 2 दिन में बनाया। 2 दिन में क्यों बनाया? बिकॉज मेरे पास जो आइटम आने थे वो आने थे 4, लेकिन मेरे पास अभी आए 3। जो एक है वो कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है नहीं पता, वो उसको आने में 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन बाद मैं फिर से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन तब तक के लिए जो आइटम आज आया है मैं उसका अनबॉक्सिंग करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। दो घंटे और अभी तक मेरा जो ये रैक है वो फिक्स नहीं हुआ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कराने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो है ये, पहले धूप था और अब बारिश हो गई है, तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब यहाँ कम से कम खड़े तो हो पा रहे हैं। तो इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसको पहले वेल्डर के पास लेके गए और इसको थोड़ा सा नीचे से रब करवाया, दिख रहा हो तो, रब कराने के बाद अब जाके फिट हुआ है। और इसके बाद अब इस टॉप बॉक्स को यहाँ फिट करेंगे, और साथ ही साथ बारिश भी हो गई है तो थोड़ा सा डिले चल रहा है काम, नहीं तो ये काम 1 घंटे पहले ही हो जाता। है मेरे को ऑरेंज कैंडी की तरफ से ही मिला है, लेकिन अभी इसमें एक पार्ट मिसिंग है, वो ये पीछे वाला जो कि ड्यूरिंग द पार्सल गिर चुका है कहीं, तो इसको दोबारा मंगवाया गया। यहाँ एक स्ट्रेट रॉड आएगी और वो लगाने के बाद ये पूरा सेट कम्प्लीट हो जाएगा। अभी मैंने जाना का लगा के एडजस्टमेंट कर दिया है, बिकॉज सपोर्ट चाहिए था इसको। तो कुछ इस तरह के लुक आ रहा है बाइक पे। तो अगर मैं बात करूं डब्बों की, एक मिनट, ये जो बॉक्स है 42 लीटर्स का है, और साइड के जो दोनों पैनियर्स हैं वो है 32 ईच, ये जो मेरे पहले जाना के थे ये वो वाले रैक है, इसको मैं घर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ में रख लूँगा एज एडिशनल। और अगर दूर से देखें तो लुक कुछ इस तरह का है, और काम कराने के बाद बाइक कुछ इस तरह की दिख रही है। मैं आपको एक बार क्लोज़र लुक दिखाता हूँ। सो मैंने लगवाया है नकल गार्ड, नकल गार्ड के बाद मैंने यहाँ पर लगवाया है हैंडल गार्ड राइज़र, जिसके वजह से अब जो पोस्चर है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और मिरर के लिए मैंने एक वाइड एंगल लेंस के लिए लगाया है, ये एडजस्टेबल है जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पर टॉप बॉक्स जैसा कि आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले, इस पर मैंने अपनी ब्रांडिंग भी करा दी है चारों तरफ से। तो बाइक अब कुछ इस तरह की दिख रही है दूर से। मैं एक बार टॉप बॉक्स वाले बता दूँ, ये एलुमिनियम नहीं है, ये है FRP बोले तो फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, और ये मैंने मंगवाया है ऑरेंज कैंडी से। और अगर स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी सही स्पेस है इसमें, इन्होंने अंदर फोम की कवरिंग भी दी है। और इसके साथ कुछ मुझे कार्ड वगैरह भी मिला था जो मैंने रखा हुआ है, मैं किस में है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह का कार्ड है जो ये देते हैं साथ में, प्लस जो इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हैं आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर्स
ऑरेंज कैंडी की तरफ से ही दिया हुआ है। ये बाइक की एक लेटेस्ट मॉडिफिकेशन, और इस मॉडिफिकेशन को बनाने के लिए मुझे एक्चुअली लगे तीन दिन इसलिए बिकॉज बीच में एक दिन बारिश हो गई तो मैं पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और आज मैं फिर जब मैं मॉडिफिकेशन के लिए गया उसके बाद मैंने इसको पूरी तरह रिकॉर्ड किया। और ये जो मेहनत है, जो तीन दिन की मेहनत इस व्लॉग के लिए लगी, इसके लिए प्लीज़ आप लाइक करें, सपोर्ट करें। वो कैसे कर सकते हैं? बेल आइकन जो बटन है वो दबा के और सब्सक्राइब करें।